बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ रुबीना मलिक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों में से कुछ तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। एक तो बात यह है कि आई वॉज सुपर बिजी, और दूसरी बात यह है कि सैडली अनफॉर्चुनेटली मतलब कि बहुत ही कोई हार्ट अटैक देने वाली न्यूज़ है ये कि मेरा फ़ोन गुम गया। सैड वाइब्स एंड सैड लाइफ। सो गाइस, सीन्स कुछ इस तरह से हैं कि एक दिन सुबह सवेरे मैं उठी, मैंने स्कूल जाना था, लाइक 7:15 का टाइम हो रहा था। उस टाइम पे मैंने अपने फ़ोन पे टाइम देखा, मैं स्कूल से लेट हो रही थी, और फिर उसके बाद मैं जाके गाड़ी में बैठ गई। अब गाड़ी में मैंने फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं किया, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया मैं स्कूल से लेट हो रही थी, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था कि भैया क्या रोज़ लेट हो जाती हूँ मैं। तो खैर, उसी तरह से फिर मैं जैसे गाड़ी में बैठी, मैंने गाड़ी में अपना बैग बिल्कुल नहीं खोला। फिर मैं गई स्टाफ रूम, स्टाफ रूम से मैंने उठाई थी अपनी नोटबुक, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई एम अ टीचर ऑल्सो। तो स्कूल जाने के बाद मैंने स्टाफ रूम से नोटबुक्स उठाई थी। उसके बाद फिर मेरे पास वाटर बॉटल थी, अपना बैग था, नोटबुक्स थी। फिर मैं अपनी सेक्शन हेड के ऑफिस गई थी, वहाँ से मैंने, वहाँ पर हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट मैं चली गई थी अपनी क्लास में। और जैसे ही मैं अपनी क्लास में बैठी, मैंने सोचा कि चलो भाई अब टाइम देख लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हूँ। ऑफ कोर्स हर टाइम पे मैं स्ट्रिक्स बना रही होती हूँ, टाइम देख रही होती हूँ, क्योंकि रेस्पॉट मैं पहनती नहीं हूँ, तो 24/7 मेरा फ़ोन मेरे हाथ में ही होता है। तो जैसे ही मुझे याद है कि अच्छा फ़ोन निकालती हूँ, बैग में देखा फ़ोन नहीं था। तो मतलब सुबह सवेरे का टाइम था, आई जस्ट थॉट कि शायद मैं आज अपना फ़ोन घर पर भूल आई हूँ। तो पूरा दिन वो वाला स्कूल में मैंने इस तसल्ली में गुजारा कि शायद मेरा फ़ोन घर पर है। लेकिन जब मैं घर आई, टू माई सरप्राइज़ आई जस्ट आस्क माई मॉम, अम्मा वेयर इज़ माई फ़ोन। जी बस दे, क्या मतलब तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास नहीं है? मैंने कहा नहीं, मेरा घर रह गया था। मैं देखती हूँ यहाँ पर तो कोई फ़ोन नहीं है। देन एट दैट टाइम आई ऑलमोस्ट गॉट अ हार्ट अटैक, कि मतलब कि क्या, मैं पूरा दिन ये सोचती रही कि मेरा फ़ोन घर पर है, और घर पर भी नहीं है, तो अब मेरा फ़ोन कहाँ है? फिर भी खैर, मैं जो हूँ इतनी कोई ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हूँ कि मुझे लगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, शायद मेरा फ़ोन स्टाफ रूम में रह गया होगा, या ऑफिस में रह गया होगा, या कहीं पर भी मे बी क्लास में कहीं गिर गया हो, मिल जाएगा, इट्स फाइन। अब वो वाली शाम मैंने इस उसमें गुजारी कि सुबह स्कूल जाऊँगी तो मेरा फ़ोन मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरी सेक्शन हेड लीव पर थी, तो फिर मैंने उनको टेक्स्ट किया कि मैम इस तरह से मेरे फ़ोन का कुछ पता नहीं चल रहा। वो बहुत ही सपोर्टिव, बहुत अच्छी खातून है, उन्होंने फ़ौरन से गेटकीपर को कॉल की। गेटकीपर गया ऑफिस में, चेक करके आया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैंने वहाँ छोड़ा है, क्योंकि मैंने वहीं पर अपनी सारी चीज़ें रखी थी। तो गेटकीपर ने कहा कि सामने सामने तो नहीं है। फिर मैम ने मुझे ये तसल्ली दी कि मे बी किसी आया वगैरह ने अपने पास रख लिया हो, मुझे देने के लिए मैं तो थी नहीं, तो वो मे बी आपको कल मिल जाए, जस्ट बी होपफुल, कुछ नहीं होता, मिल जाएगा। तो फिर अगले दिन मुझे ये उम्मीद थी। फिर जब उससे अगले दिन मैं गई और मेरा फ़ोन नहीं मिला, तो वहाँ से मुझे लगा कि अब फ़ोन नहीं मिलेगा। वो बहुत ही मतलब कि कोई बुरी फीलिंग्स थी, सैड बात थी। अब इस टाइम पे मेरा दुख सिर्फ वही लोग फील कर सकते हैं जिन पर कभी ये सिचुएशन गुजरी होगी, कि इंसान कितना हेल्पलेस फील करता है, कितना दुख होता है कि यार ये कैसे हो गया, आपका फ़ोन कैसे खो गया। एक तो फ़ोन जब आपका गुमता है तो सबसे पहली चीज़ तो आपका ये होता है कि आपके पैसे थे, इतना महंगा फ़ोन था। दूसरी चीज़ आपका डाटा, मेरे उसमें बहुत सारी मेमोरीज़ थी, बहुत सारी वीडियोज़ थी, अनएडिटेड व्लॉग्स थे जो मैंने अभी अपलोड करने थे। इसके अलावा मेरा बहुत सारा ऑफिशियल डाटा था, लाइक यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, बहुत कुछ था। मतलब आजकल के ज़माने में आपका फ़ोन आपकी पूरी ज़िंदगी है, लाइक 24/7 आपकी हर चीज़, लिटरली आपकी लाइफ से रिलेटेड हर हर चीज़ आपके फ़ोन में होती है। तो अगर आपका फ़ोन गुम जाए तो नो वर्ड्स। और मैं बेचारी मासूम की तरह, गरीबों की तरह हर वक्त खुद को ये तसल्ली देती रहती हूँ कि इट्स फाइन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने खैर FIR लिखवाई थी। इसके अलावा मेरे मामू होते हैं इस्लामाबाद पुलिस में, वहाँ पे मैंने IMEI नंबर सेंड किया था उनको, उन्होंने भी वहाँ पे लिखवाया। लेकिन टिल डेट मेरे फ़ोन की कोई ख़बर नहीं, कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कहाँ गया। खैर एनीवेज, गुमने वाली चीज़ थी, गुम गई। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जिन पे आपका बस नहीं होता, आप जो मर्ज़ी कर लें आप कुछ नहीं कर सकते, और आप उन सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते। खैर एनीवेज, वीडियो क्या चल रही है और मैं स्टोरी क्या सुना रही हूँ। इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे कज़िन का बर्थडे पार्टी है, मेरे मामू के बेटे का। और जितने भी आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये सब मेरे ननिहाल वाले हैं, मतलब मामू के बच्चे हैं। हम लोग मियांवाली गए हुए थे, मियांवाली से फिर हम खुशाब, नहीं पहले हम खुशाब गए, खुशाब के बाद मियांवाली गए। खुशाब में बर्थडे था, और उसके बाद अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये मेरी खाला का घर है, उनका एक डॉग है। जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि डॉग्स जो है ब्लड रिलेशंस को पहचानते हैं, तो यहाँ पे ये वो वाला टेस्ट हो रहा था कि ये मुझे पहचानता है या नहीं।
यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी आई वॉज ट्राइंग. मैंने कहा चलो जी ट्राई आर लक, एंड लकीली इट वर्क. मतलब कि इतना कोई प्यारा सा डॉगी था, इतने अच्छे से जैसे हैंड शेक करते हैं ना, ये हैंड शेक भी कर रहा था, कुछ कह भी नहीं रहता. तो सो ये हमारा एक शॉर्ट सा ट्रिप था मियाँ वाली और खुशाब का. हमने बहुत इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया. बर्थडे भी मामू के घर भी और फिर वापस अपने गाँव मियाँ वाली में भी, जो कि मैंने पहले बताया था कि गुंडी है. सो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग. आप लोग प्लीज़ 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 दुआ करते रहिएगा. मुझे पता नहीं अभी भी क्यों, एक उम्मीद है, एक होप है कि शायद मेरा फ़ोन मुझे मिल जाएगा. तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा, हो सकता है कि मिल भी जाए. सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर माई फ़ोन. एंड वन मोर थिंग गाइज, कुछ लोग मेरे पास इंस्टा पे ऐड थे, कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानती थी, तो मैंने उनको कह दिया कि भाई टेक्स्ट ऑन माई नंबर. तो जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं और जो मेरे पास इंस्टा पे ऐड नहीं थे और उनके पास मेरा नंबर था, प्लीज़ टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप विथ योर नेम.